यूक्रेन में युद्ध के हालात से दुनिया भर में टेंशन का माहौल है। रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। दोनों ही देशों के अपने अपने दावे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके अपने यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की बात अगर करें तो करीब 150 लोग यूक्रेन में संकट के हालातों से घिरे हुए हैं और अकेले राजधानी देहरादून से करीब 30 लोग हैं, जिनमें मेडिकल और एमबीए की पढ़ाई करने वाले छात्र भी शामिल हैं। ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ऋषिकेश, देहरादून, उधम सिंह नगर, रुड़की और चमोली के कई छात्र यूक्रेन में इस वक्त फंसे हैं, जिनके परिजन उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं और साथ ही सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। अब रूस जिस तरीके से हमला कर रहा है, यूक्रेन में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वहां पर कई उत्तराखंड के छात्र छात्राएं हैं जो फंसे हुए हैं इस वक्त। और एक छात्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे यूक्रेन से, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं, जानते हैं कि इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। सबसे पहले मैं चाहूंगी अपना नाम आप बताएं, कौन जुड़ रहा है इसके बारे में जानकारी आपको जल्दी हम देने जा रहे हैं। यूक्रेन से एक छात्रा है, सबसे पहले अपना नाम आप बताइए, उसके बाद फिर मैं आपसे चर्चा शुरू करती हूँ। नाम बताइए सबसे पहले। नमिता धीमान। नमिता, अभी कैसी है सिचुएशन वहां पर, कैसे हालात हैं, आप जहां पर मौजूद हैं आप ये बताइए, आप सुरक्षित हैं इस वक्त? यस मैम, अभी हमारा शायद इवैक्यूएशन के लिए अरेंजमेंट चल रहा है, तो हम लोगों को अभी हमारे मेस में बुलाया है, सारे बच्चे यही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, कितने लोग साथ में हैं नमिता, आप लोग कितने लोग साथ में हैं वहाँ पर? अभी लगभग 100+ बच्चे हैं। अच्छा, बातचीत हो पाई है किसी से आपकी, किसी अधिकारी ने बातचीत की या फिर अथॉरिटी की तरफ से संपर्क करने की कोशिश की गई है आप लोगों से? हाँ यस मैम, अभी उन्होंने बोला है कि पोलैंड बॉर्डर पे हम लोग जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए बस या बाकी व्हीकल्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपके आसपास कैसी है स्थिति वहाँ पर अभी, सब कुछ ठीक है जहाँ आप रहते हैं उस एरिया में, सब ठीक है? हाँ जी, अभी तक लवीव सेफ है, अभी कुछ ऐसा कुछ अटैक वगैरह अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पे। ये कौन सा एरिया है नमिता जहाँ पर आप रहती हैं, कौन सा शहर है, कौन सा एरिया है? मैम ये लवीव है, ये पोलैंड बॉर्डर पे पड़ता है। अच्छा, ये सेफ है अभी, अभी क्या बता रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या बता रहे हैं, ये सेफ है ये इलाका अभी? हाँ जी, अभी बोल रहे हैं सबसे ज्यादा सेफ यही है, क्योंकि ये पोलैंड बॉर्डर पे और कीव और खार्किव इन सबसे दूर है, इसलिए तो बोल रहे हैं अभी सबसे सेफ यही है और यहाँ से इवैक्यूएशन इजी है। अच्छा, जो आपके साथ मौजूद हैं, जो छात्र हैं, वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के कितने हैं और भी हिस्से के हैं हिंदुस्तान के? जी मैम, नमिता, और कहाँ कहाँ के लोग हैं आपके साथ इस वक्त, कौन कहाँ कहाँ के छात्र हैं? मैम इंडिया के, पूरे इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ, सब सारे बच्चे साथ में। अच्छा, ठीक है, ठीक है नमिता, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा बहुत ख्याल रखिए अपना। वहाँ पर आप बता रही हैं कि माहौल अभी ठीक है और आपकी बातचीत भी हो रही है लगातार अधिकारी से। आप रहिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, लगातार रहिए। आपकी मम्मा भी जुड़ चुकी हैं, आपकी माँ जुड़ी हैं उनके साथ, पंकज इस वक्त मौजूद है। कोई मैसेज पहुँचाना चाहती है अपनी माँ को इस वक्त नमिता? हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहती है बताइए। अभी मैसेज तो यही कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे, अरेंजमेंट हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कल तक। अच्छा पंकज, बोलिए उनको, नमिता कह रही है कि वो ठीक है और जल्दी वतन वापसी उनकी हो जाएगी, अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, बात कीजिए उनसे। हाँ बिल्कुल, देखिए नमिता की मम्मी हमारे साथ में हैं और उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नमिता ने आपसे बात की है, वो कह रही हैं कि कैसी हैं, आप पूछ रही हैं वो आपसे, आपके कहेंगे उसे? मैं बहुत अच्छी हूँ और बस आप भी अच्छे से रहो वहाँ और डरो मत बिल्कुल भी, हम लोग सब साथ में हैं। नमिता ने सारी स्थिति बताई है, आपकी भी सुबह बात हुई थी, क्या उसने बताया है वहाँ पे, उसको किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही वहाँ पे? नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अभी वहाँ पर काफ़ी सेफ हैं वो लोग, बस अभी उनको बेसमेंट में जाने के लिए बोला हुआ है कि बेसमेंट में चले जाएं, तो बाकी वहाँ से शायद पोलैंड ले जाएंगे उनको। अच्छा, तो बाकी और कोई प्रॉब्लम वैसी बताइए, क्योंकि वहाँ ATM वगैरह में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, उनके पास स्टोरेज है सारा खाने पीने का सामान? हाँ जी, हाँ उनके पास है, उन्होंने कल ATM से
पेमेंट वगैरह विड्रॉ कर लिया था और खाने का सामान सब ले लिया था उन लोगों ने। वैसे वहाँ दिक्कत हो रही है क्योंकि ज़्यादातर जो सुपरमार्केट वगैरह हैं वो सब बंद हो चुके हैं और वहाँ पर खाने का सामान ख़त्म हो चुका है। सौरभ भी हमारे साथ नमिता के बड़े भाई हैं। सौरभ, आपकी कब बात हुई थी? अभी मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई, तो बस वही है कि उन्हें बंकर वंकर में शिफ्ट करने के लिए बोला गया है कि जैसी कुछ भी इमरजेंसी हो, उन लोगों ने वहाँ पर सायरन्स वगैरह लगा रखे हैं ताकि जैसी सायरन बज रहा है तो सारे बच्चे नीचे बंकर में शिफ्ट हो जा रहे हैं या बेसमेंट में चले जा रहे हैं। बाकी अभी हालात तो आपको पता ही, थोड़ी काफ़ी कंडीशन ख़राब है, बस हम वेट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इंडियन गवर्नमेंट बच्चों को लेके आ जाए। आप कोई मैसेज देंगे? नमिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, अभी भी गंगा पे बात भी कर रही है, कोई मैसेज देंगे मामा को भी और उनके भाई को भी बना के रखे। नमिता का एक बार फिर शुरू करते हैं। नमिता, अगर फोन के माध्यम से ही आप वहाँ की थोड़ी सी तस्वीर अगर दिखा पाए, अभी कैसा वहाँ पर माहौल है आपके आसपास और जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं, तस्वीर दिखा सकती है अभी आप वहाँ पर, पॉसिबल है? अच्छा, कुल कितने लोग होंगे नमिता? आप कह रही हैं कि 100 लोग वहां पर हैं, ये कितने लोग होंगे यहाँ पे? अच्छा, नमिता ये वहां से तस्वीरें हमको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये छात्र यहाँ पर हैं और सभी को एक साथ रखा गया है। नमिता ने भी जैसे जानकारी दी कि अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, भरोसा उन्होंने दिलाया है कि जल्द ही एक बस यहाँ पर आएगी, बस के जरिए सभी को ले जाया जाएगा। अब जो व्यवस्था ये की गई है कि पोलैंड के रास्ते से सभी को यहाँ हिंदुस्तान लाया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर जितने भी छात्र फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के, वो उत्तराखंड के हो या फिर अलग अलग कोने से हो, उन सभी को एक साथ यहाँ पर रखा गया है। नमिता लगातार जानकारी दे रही है। नमिता, सभी स्टोरेज है आपके पास, सामान है मुकम्मल, अभी कोई दिक्कत है नहीं आपको? अच्छा, ठीक है ठीक है। नमिता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक और छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी यूक्रेन में ही मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान अली है और मैं अभी फिफ्थ ईयर में हूँ और कीव में, कीव जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ता हूँ। शान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर सिचुएशन ठीक है? जी, मैं अभी ठीक हूँ। अच्छा, कैसे हालात बने हुए हैं? मेरे आसपास एरिया में तो अभी ठीक है, कीव कैपिटल। कीव में आप मौजूद हैं? अच्छा, अभी आपके आसपास ठीक है? किसी अथॉरिटी से, किसी से बातचीत हो पाई आपकी यहाँ हिंदुस्तान वापसी को लेकर? जी, बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन न्यूज से ही पता चलता है कि जो कीव के जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत बमबारी हुई है, लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ मिडिल में, तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा, वहाँ पर हालात ठीक है। इंडिया वापस आने के लिए आपने किसी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? इंडिया जाने के लिए अभी तो सिर्फ एम्बेसी कुछ कर सकती है या इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, अब हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं। अच्छा, जो टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं शान, और कांटेक्ट के लिए आपने किसी से बातचीत की या फिर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई हो? आप चाहते हैं कि आपके वतन वापसी हो आपकी जल्द से जल्द शान? जी, जल्द से जल्द हो, क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होती जा रही है। अच्छा, और कहाँ कहाँ के लोग शान आपके साथ वहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से, कहाँ कहाँ के छात्र हैं आपके साथ? हाँ, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं। जी जी। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, उनकी किसी से बातचीत हो पाई है या फिर जो छात्र सभी, कितनी होगी संख्या छात्रों की जो आपके आसपास या फिर इस शहर में आपके जानने वाले हैं? हमारे फ्लैट में जो है वो 6 छात्र हैं, जिसमें से कुछ राजस्थान से हैं और कुछ झारखंड से। अच्छा, किसी की बातचीत हो पाई है किसी अधिकारी से शान, जो और छात्र हैं उनकी बातचीत हो पाई हो इंडिया वापसी को लेकर? जी नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं हुई है। जो एक दो ग्रुप बना रखे हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने सिर्फ फॉर्म भरवाए हैं 4-5 बार। अच्छा। उसके बाद में कोई डिसीजन नहीं आया है अभी तक, तो क्या करना है। चलिए, आप दोनों ही अपना बहुत ख्याल रखिए, लगातार कोशिशें ये हो रही है कि जितने भी आप जैसे तमाम छात्र वहां पर फंसे हुए हैं सबको वापस लाया जाए और इसके लिए कोशिशें भी तमाम की जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जल्द ही आपके वतन वापसी हो, ये उम्मीद हिंदुस्तान भी कर रहा है जितने छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है वहाँ पर। लगातार कई छात्र हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से जो वहाँ पर रहते हैं, कोशिश यही है सरकार की भी कि जल्द से जल्द सकुशल सभी वापस लौटें। यूक्रेन में फंसे खटीमा के 5 छात्र, देखिए खटीमा के भी 5 छात्र हैं जो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। हरिद्वार के लक्सर के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए दोनों छात्र गए हुए थे, अब वहीं पर हालात जो बिगड़े उसके बाद हुआ ये कि वहीं पर 2 छात्र फंस गए हैं।
और इसके अलावा टिहरी का एक छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है। टिहरी से भी एक छात्र वहां पर पढ़ाई के लिए गया हुआ था, वो भी वहीं पर फंस गया। कीव में MBBS की पढ़ाई के लिए छात्र गया हुआ था, पारस नाम बताया जा रहा है टिहरी के छात्र का, जो भी इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है। परिजन ये लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी हो। अब आपको बता दें यूक्रेन में उत्तराखंड के कितने लोग फंसे हुए हैं, ओवरऑल जो डेटा है वो क्या कह रहा है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। यूक्रेन में उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं, उत्तराखंड के करीब 150 लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हैं, ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड के छात्र और नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो नौकरी के लिए वहां पर गए हुए थे, वो अचानक से वहां हालात बिगड़े और उसके बाद हुआ ये, वहीं पर फंसे रह गए। और अधिकतर जो छात्र हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे, MBA के छात्र हैं। और अकेले राजधानी देहरादून के 30 छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनमें कुछ और भी लोग हैं और कुछ छात्र भी बताए जा रहे हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। और किस जिले से कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी इस वक्त हमारे पास है वो भी आपके सामने है, जल्दी से जानिए। देहरादून के करीब 30 लोग हैं जो वहां पर इस वक्त फंसे हैं। ऋषिकेश की छात्रा तमन्ना यूक्रेन में फंसी हुई है, उधम सिंह नगर के कई छात्र हैं जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। और अलग अलग हिस्सों से भी लगातार जानकारी ये है कि तमाम जो छात्र हैं उनको लाने की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही है। और सरकार ने भी ये कहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता इस वक्त यही है, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको हिंदुस्तान लाया जाए, उनके वतन वापसी हो।